आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारी दुनिया उनसे परिचित है। नमस्ते। नमस्ते सर। हर बार चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे ये सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है, क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश एंटीना है। कोने कोने में एसटीडी और आईएसटी के बूथ लगे हुए हैं। इंटरनेट है। हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। आज हर आदमी पांव में जूता पहनता है, हाथ में घड़ी लगाता है, एसएल वर्ल्ड जाता है, मैकडोनल्ड में खाना खाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो गया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा। कोई किसान मैकडोनल्ड का बर्गर तो क्या दो वक्त की रोटी नहीं खा पाता, कोई मजदूर कार में नहीं घूमता बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। केरला और मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है। अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पंजाब में 11.7% उसके नीचे है। और आज भी यहाँ गांव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। मिस्टर शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये IMF रिपोर्ट, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाती। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, यहां बताइए वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉलमेंट कैंसिल क्यों की? वो ऐसे नहीं बता सकता, पूरा पुलिंदा है 1000 पन्नों का, अनेक्सचर ABCD करके 18 सेक्शन है, सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था?